ये देखो यार, अभी पता चला आपको कौन है जिसने हेलमेट लेना? ये वो इंसान है। अभी देखते हैं इसमें से कौन सा हेलमेट चूज करते हैं, उसका भी एक सरप्राइज। अभी हम खड़े हैं स्टील बर्ड की शॉप पे, यहाँ पे वीरेंद्र नगर में शॉप पड़ती है। आप लोगों को भी हेलमेट लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे SA2 मिल जाएगा ब्लैक कलर का, मेरे पास सेम यही वाला हेलमेट है, बट इसमें जो है मेरे पास ये वाला है, कलर जो है ग्राफिक्स ये वाले हैं, मगर हेलमेट शेल आप देखते हो ऑलमोस्ट सेम है। अब उसके बाद आपको अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब आपके पास SA2 है इग्नाइट्स के, आपको दूसरे IGN 4 मिल जाएगा, फिर आपको IGN 7 भी मिल जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर भी आपको अच्छे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। ये वाला देखो यार कितना सेक्सी लग रहा है यार। और भी बहुत सारे हेलमेट्स हैं यार, आपको मोटोक्रॉस के चाहिए मोटोक्रॉस हेलमेट्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये है यहाँ पे रखा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज होने वाली हमारे नई हेलमेट की अनबॉक्सिंग, क्योंकि पहले पहनता वेगा का एंड अब आ रहा है हमारे पास न्यू हेलमेट स्टील वर्ड का, एंड वो रहा कुछ ऐसा। इसका लुक कैसा और भी कुछ ऐसा है, पहले मेरा हेलमेट ये था वेगा का, अब इसका Q2 का इंटरकॉम इस पर फिट होना है एंड कैमरे का माउंट लगाना है। सो बेसिकली ये डबल वाइजर हेलमेट है विद एंटी फॉग, ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हो ये एंटी फॉग है, रिमूवल है, इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड इधर आपका वाइजर लॉक हो गया। इसके बाद इसके अंदर है ब्लैक ग्लास मिरर जो कि धूप में बहुत काम आने वाला है, एंड साइड व्यू कुछ पूरा ऐसा है। अब थोड़ी बाइक से मैच भी हो रही है, थोड़ा नियोन और रेड का कॉम्बिनेशन मैच हो गया। और इसके साथ मिला हमें कुछ स्टिकर्स, इसको देख लेते हैं क्या है। स्टिकर हमारा कुछ ऐसा है, एक मिला है स्टील वर्ल्ड का लोगो जिसका हमारे कोई काम नहीं है, एक स्टील वर्ल्ड का लोगो चिपकाने के लिए मिला है, एंड एक IGN 4 का लोगो है। एंड इसके साथ मैंने कुछ इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लोगो भी लिए थे जो कुछ इधर पड़े हुए हैं, इसको लगाऊंगा फुर्सत से। ये मुझे लगाना है थोड़ा, ये 3D मॉडल का लोगो है, ये लगाना है क्योंकि जो यहाँ पर था ये मेरा था ना थोड़ा उखड़ सा रहा है, तो इसको उखाड़ ही देते हैं। एंड उसके बाद ये हेलमेट मुझे बहुत प्यारा लगा, वाइज़र काफ़ी अच्छा है, वाइज़र में एंटी फॉग दे रखा है, एंटी तो हेलमेट और भी बहुत प्यारा है। एंड थोड़ा सा लूज़ पड़ रहा है, ये थोड़ा सा लूज़ पड़ रहा है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये पैड जो है इसका, ये चीज़ तो यहाँ पर मुंह बहुत लॉक करता है, बट अंदर थोड़ा सा ना इसके पैड थोड़ा और मोटा होना चाहिए, फिटनेस की थोड़ी सी दिक्कत है। से ये देख लो हल्का सा लूज़ हो रहा है, ये हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा फोम और भर दूँ, मतलब जुगाड़ तो मैं कर ही लूँ ऑफकोर्स, तो ये थोड़ा फिटनेस हो जाएगा, और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये लॉक हो जाएगा। तो ओवरऑल ये बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब ग्लास जो है ना पूरा बहुत प्यारा है, धूप के लिए तो बहुत बढ़िया है। एंड ओवरऑल ये लुक है, साइड में देखा जाए तो बहुत प्यारा हेलमेट है। ये हमारे प्रशांत भाई हैं, प्रशांत भाई स्टील बर्ड में ही है, तो उन्होंने दिलवाया, तो उनका धन्यवाद दिल से। एंड बाकी मुझे लेना था ये, बट कलर देख रहे हो कलर मैच है बाइक से, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा ना ये पिंकनेस के अंदर डाल दे, बट ठीक है, बट नियोन और जो रेड चाहिए था बाइक के मैच के लिए तो वो परफेक्ट हो गया। एंड ये रहेगा पिलन हेलमेट, कभी अगर कोई साथ में हो तो उसके लिए, या फिर घर में नॉर्मल यूज़ के लिए रखूँगा। हाँ बाकी इसका इंटरकॉम इसमें लगाना है, अभी इंटरकॉम लगाना है और कैमरे का माउंट भी लगाना, ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पर कैमरे का माउंट लगाना है। तो माउंट लगा के फिर राइड पे, नेक्स्ट राइड पे इस हेलमेट के साथ कोशिश करूँगा कि इस हेलमेट के साथ जाऊँ, तब तक के लिए मिलते हैं फिर से। एंड मज़ा आ गया मुझे ये हेलमेट देखा ना, मज़ा आ गया, बड़ा लगे आ जाए, मज़ा आ गया। ये साइड एकदम परफेक्ट है, एजस एक नंबर, पीछे से एक नंबर, आगे से भी ठीक है, एंड बाइक तो अपनी हाई, जबरदस्त, नो प्रॉब्लम।